मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे जो पहला पार्ट है वो है हमारा टेस्टिस। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम टेस्टिस के बारे में जानेंगे कि टेस्टिस हमारा किस तरह होता है, ठीक है, और किस तरीके से टेस्टिस का पूरा फंक्शनिंग है और स्ट्रक्चर है। देखो, टेस्टिस एक्चुअल में हमारे ओवल शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? ओवल शेप के। इनकी लेंथ और ब्रेथ आपको याद रखनी है। लंबाई में टेस्टिस होते हैं 4 to 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई में होते हैं 2 से 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई में 2 से 3 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। तो ये टेस्टिस का मेन जनरल स्ट्रक्चर है। ठीक, टेस्टिस जो होते हैं वो हमारी बॉडी से बाहर की तरफ लाए करते हैं, आउटसाइड द बॉडी लाए करते हैं। और आउटसाइड द बॉडी किस में लाए करते हैं? पाउच लाइक स्ट्रक्चर में। किसमें? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में लाई करते हैं। इस पाउच को क्या बोलते हैं? इस पाउच को बोलते हैं हम स्क्रोटम। क्या बोलते हैं इस पाउच को? स्क्रोटम। तो अब स्क्रोटम में हमारे टेस्टिस लाइक क्यों करते हैं? तो इसका कारण है क्योंकि स्क्रोटम में क्या होता है, टेस्टिस को जो टेम्परेचर मिलता है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम मिलता है बॉडी टेम्परेचर से, लेस देन बॉडी टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर रिक्वायर होता है किसके लिए? ये टेम्परेचर रिक्वायर होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। यही टेम्परेचर हमें किस लिए चाहिए? स्पर्म बनाने के लिए। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम चाहिए बॉडी से। ठीक, तो ये चीज है हमारी सबसे मेन बात टेस्टिस के बारे में कि टेस्टिस हमारे स्क्रोटम में लाए करते हैं आउटसाइड द बॉडी। ठीक, अब टेस्टिस की जो कवरिंग होती है, टेस्टिस के ऊपर सबसे बाहर की तरफ एक डेंस कवरिंग होती है, एक टाइट कवरिंग होती है। इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? जो आउटर कवरिंग होती है टेस्टिस की, सबसे आउटर कवरिंग जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इसको क्या बोलते हैं हम? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो दोस्तों ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस बाहर से। अब हम अंदर देखते हैं कि टेस्टिस के अंदर क्या होता है। तो देखो अंदर देखते हैं टेस्टिस के अंदर क्या होता है। तो जब हम अंदर की बात करते हैं तो देखो अंदर क्या होता है टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर कमरे होते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स। टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे कंपार्टमेंट। टेस्टिस के अंदर, एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। कितने कंपार्टमेंट? 250 कमरे। एक टेस्टिस के अंदर 250 कमरे होते हैं, 250 कंपार्टमेंट। ठीक है, इन्हीं कंपार्टमेंट के अंदर क्या होगी? स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। कैसे होगी इन कंपार्टमेंट के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन? तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ कि कैसे। सपोज हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक कंपार्टमेंट है जो कि टेस्टिस के अंदर है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? इस एक कंपार्टमेंट के अंदर होती है सेमिनिफेरस ट्यूब। कौन सी ट्यूब? सेमिनिफेरस ट्यूब। इसके अंदर होती है सेमिनिफेरस ट्यूब। इस सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। इस सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। अब मैं आपको और बड़ा करके दिखा रहा हूँ सेमिनिफेरस ट्यूब को। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर दो टाइप के सेल पाए जाते हैं। एक तो पाए जाते हैं हमारे मेल जर्म सेल, ये है हमारा जर्म सेल, जो क्या बनेगा, जो भाई म्यूसिस में जाके एक से क्या करेगा, एक से 4 स्पर्म बनाएगा। एक मेल जर्म सेल म्यूसिस में जाता है और 1 से 4 स्पर्म बनाता है। ठीक है, और दूसरा कौन सा सेल पाता है इसके अंदर? दूसरा हमें पाता है सर्टोली सेल। दूसरा होता है हमारा सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल क्या करता है? ये सर्टोली सेल, ये जो स्पर्म बन रहे हैं इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कि भाई इनको न्यूट्रिशन देता है जिससे ग्रो करते हैं। ठीक, तो मेन चीज़ हमें याद रखनी है कि टेस्टिस के अंदर हमारे 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम लोब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? लोब्यूल्स बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। 250 कमरे होते हैं, एक कमरे के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब होती है। कौन सी ट्यूब होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब एक कमरे के अंदर एक भी हो सकती है, या फिर हो सकता है 2 भी हो सकती हैं, या फिर हो सकता है 3 भी हो सकती हैं। तो 2 से 3 वेरी करती हैं कि भाई 2 भी हो सकती हैं या फिर 3 भी हो सकती हैं। तो 2 से 3 वेरी करती हैं कि एक कमरे में, एक लोब्यूल में, एक कमरे में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब होती हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर दो तरह के सेल पाते हैं, एक तो हमारा जर्म सेल और दूसरा सर्टोली सेल। ठीक है, ब्लैक वाला जर्म सेल, ब्लू वाला सर्टोली सेल। ये मैंने आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बताया है। जर्म सेल जो होता है वो हमारा डिवाइड करके स्पर्म बनाता है, और सर्टोली सेल क्या करता है? न्यूट्रिशन देता है इन स्पर्म्स को डेवलपमेंट के लिए। ठीक, तो ये था हमारा पूरा स्ट्रक्चर टेस्टिस के बारे में। अब आप समझ गए होंगे टेस्टिस को बहुत आसानी से।
अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा एसेसरी डक्ट्स के बारे में।